नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सभी एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से रिलेटेड फर्स्ट एमसीक्यू रहेगी सीरीज का ये फर्स्ट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। तो मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था ये, तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है अब्दुल फजल। तो ध्यान रखें, अब्दुल फजल ने मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। तो यहाँ पे अब्दुल फजल ने अपनी पुस्तक, तो जो पुस्तक थी ये ध्यान रखें, जो पुस्तक थी पुस्तक में भी मारवाड़ी शब्द का उल्लेख किया था। जो पुस्तक का जो नाम था वो था आईने, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अकबरी। आईने अकबरी में भी मारवाड़ी शब्द का उल्लेख किया गया था। मारवाड़ी शब्द का उल्लेख है ये ध्यान रखें, पुस्तक का नाम ध्यान रखें दोस्तों। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। यहाँ पे क्या बोला, राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ये किसने किया था, तो ये जो किया था ये किया था जॉर्ज एब्राहम ने। सही आंसर इसका रहेगा फोर्थ नंबर। तो ये जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन, ध्यान रखें, जॉन एब्राहम ग्रियर्सन ने, ग्रियर्सन तो इन्होंने भी अपनी पुस्तक थी जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, कौन सी पुस्तक में, ध्यान रखें, इन्होंने जो पुस्तक थी कौन सी थी, उस पुस्तक का क्या नाम था, ध्यान रखना आपको यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो ये थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, बताइए जल्दी से, थर्ड नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, इसमें से असत्य कथन बताना है आपको दोस्तों। तो यहां पे पहला कथन क्या दे रखा है, डिंगल पश्चिमी राजस्थान में चारण जाति में प्रभावित भाषा या साहित्य है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे ट्रू कथन हो गया, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है, डिगल पश्चिमी राजस्थान में चारण जाति से प्रभावित है, तो ये तो हो गए यहाँ पे ट्रू। डिंगल साहित्य गद्य व पद्य दोनों में लिखे जाते हैं, तो ये यहाँ पे कथन हो गया रॉन्ग। तो अपना सही आंसर रहेगा केवल बी। तो केवल बी जो है असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ पे चारण जाति द्वारा लिखित डिंगल साहित्य सर्वाधिक पद्य में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं, गद्य में नहीं लिखे जाते, सर्वाधिक जो होते हैं वो किसमें लिखे जाते हैं, पद्य में लिखे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेकंड नंबर राइट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बताइए राजस्थानी भाषा है तो राजस्थानी भाषा कौन सी, यहाँ पे राजस्थानी भाषा जो है असंवैधानिक भाषा है, सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड, क्योंकि राजस्थानी भाषा संवैधानिक है, जबकि हिंदी जो भाषा होती है कौन सी होती है, संवैधानिक होती है, और असंवैधानिक भाषा जो होती है राजस्थानी होती है। तो हिंदी भाषा कौन सी है वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन, विचार करना है यहाँ पे कथन के बारे में, क्या पूछा है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विचार करना है और उपरोक्त में जो सत्य कथन है वो बताना, आपको यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो देखिए, डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर सैनी अपभ्रंश से हुई। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट है, सोर सैनी जो अपभ्रंश से हुई थी, तो ये तो कथन अपना ट्रू हो गया। फिर डॉक्टर सुनीति चटर्जी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी जाती है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि नागर अपभ्रंश से नहीं मानी जाती, ये सौराष्ट्री अपभ्रंश से मानी जाती है। कौन सी, नागर नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखना है, कौन सी होगा यहाँ पे, होगा सौराष्ट्री अपभ्रंश से मानी जाती है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सुनीता चटर्जी के द्वारा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा फर्स्ट केवल, क्योंकि सत्य पूछा है, और ये सत्य कब होता है, जब सौराष्ट्री यहाँ पे लिखा होता, क्योंकि यहाँ पे नागर अपभ्रंश लिखा हुआ है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए मेवाड़ी किसकी उपबोली है? तो मेवाड़ी जो भाषा है वो किसकी उपबोली है? तो ये उपबोली किसकी होगी दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। सही आंसर रहेगा इसका फर्स्ट मारवाड़ी। क्या रहेगा? मारवाड़ी इसका सही आंसर रहेगा। तो मारवाड़ी की उपबोली जो है वो कौन सी है? मेवाड़ी। तो मारवाड़ी की उपबोली मेवाड़ी है, और मेवाड़ी का मुख्य क्षेत्र ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है मेवाड़ी के मुख्य क्षेत्र, मेवाड़ी का जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं दोस्तों? मुख्य क्षेत्र याद रखें ये लिस्ट। सबसे पहला है उदयपुर, उदयपुर की सीरीज याद रखना, उदयपुर, उसके संबंध याद रखना है राजसमंद, और राजसमंद के जस्ट बाद में आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे सही आंसर क्या था अपना? फर्स्ट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, डुंडाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पूछा है सत्य कथन जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? देखिए इस बोली को आहड़ साहिबी कहा जाता है, तो ध्यान रखें इस बोली को आहड़ साहिबी कहा जाता है, तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है। तो ये अगला देखिए, राजस्थानी, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है, राजस्थान की सबसे बड़ी बोली। फिर क्या पूछा? देखो डुंडाड़ी बोली की उत्पत्ति गुजरी अब्रज से मानी जाती है, तो ये कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? क्योंकि सत्य कथन नहीं है वो बताना है, तो ये एक कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर अपना थर्ड रहेगा। फिर यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डुंडाड़ी बोली की उत्पत्ति, तो डुंडाड़ी बोली की जो उत्पत्ति है वो हुई थी सोर सैनी से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? उत्पत्ति के बारे में ध्यान रखना है डुंडाड़ी बोली में, तो उत्पत्ति जो है सोर सैनी से मानी जाती है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखना है। और इस बोली को जयपुर और झाड़साई भी कहता है, इस बोली को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा ध्यान रखना आपको यहाँ पे, इस बोली को और क्या कहा जाता है? इसको जयपुरी, और क्या कहा जाता है? झाड़साई भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली भी कौन सी है? ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सी थी। डुंडाड़ी बोली है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी। ओके दोस्तों चले नेक्स्ट। और यहाँ पे डुंडाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है, ये भी ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, मारवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन बताना। अब यहाँ पे सत्य कथन किसका बताना है? मारवाड़ी बोली का। यहाँ पे सत्य कथन कौन सा होगा दोस्तों? देखते हैं पहला क्या कहा, इसकी उत्पत्ति नागरी अभ्रश से हुई है, तो यहाँ पे ये गलत है, नागरी अभ्रश से नहीं हुई थी, ये हुई थी किससे? ध्यान रखना है मारवाड़ी की कौन सी? गुजरी। सही आंसर रहेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली, तो सबसे बड़ी बोली क्षेत्रफल की दृष्टि से बिल्कुल यहाँ पे ये कथन यहाँ पे ट्रू हो गया। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल, यहाँ पे ये अपना यहाँ पे रॉन्ग है। तो सही आंसर अपना क्या रहेगा दोस्तों? सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मारवाड़ी के लिए, उद्धृत सूरी द्वारा कर्त कोविलमाला ग्रंथ में मरुभाषा शब्द का उल्लेख मिलता था, ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पे। और बोली का जो क्षेत्र है, मारवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो जोधपुर, पाली, नागौर और बाड़मेर, ध्यान रखना मारवाड़ी क्षेत्र बोली जो है, क्षेत्र जो है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्तों, कौन कौन से हैं क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, जोधपुर, फिर आपको ध्यान रखना है पाली, फिर यहाँ पे ध्यान रखना नागौर, और फिर एक बाड़मेर। तो बाड़मेर, नागौर, पाली और जोधपुर में ये बोली जो है इनके क्षेत्र है, मारवाड़ी बोली के क्षेत्र। ओके, और यहाँ पे मारवाड़ी का सिरमौर जिला कौन सा होता है ये दोस्तों बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे आपको एक जोधपुर के बारे में ध्यान रखें, जोधपुर जो है मारवाड़ी का सिरमौर जिला है, ये कौन सा है? सिरमौर जिला, ये ध्यान रखने दिया। चलो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी बोलियां तथा उनके क्षेत्रों के संदर्भ में असुमिलित युग्म, असुमिलित युग्म बताना है दोस्तों, इसमें असुमिलित युग्म कौन सा है? देखिए सबसे पहला नाड़िया नागौर, देखो पहला नाड़िया नागौर नहीं होता, नाड़िया जो होती है वो होती है पाली,
कौन सा होगा, पाली और सत्य पूछा, तो अपना आंसर तो ये हो गया, और बाकी तीनों जो दे रखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। सिकावटी सीकर, देवड़ावाटी सिरोही में, गोडावड़ी जालोर में। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करना है। अब यहाँ पे सही कूट बताना है, यहाँ पे सही कूट क्या है, डडक्की बोली का मुख्य क्षेत्र बाड़मेर, बिल्कुल गलत। ये जो बोली है इसका मुख्य जो क्षेत्र है वो है जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर, ध्यान रखें। डडकी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर, और डाटी बोली का मुख्य क्षेत्र जैसलमेर, यहाँ पे वापस उल्टा हो गया, ये होता है बाड़मेर में, इसका क्या होगा, इसका होगा बाड़मेर। तो देखा जाए तो दोनों कथन यहाँ पे क्या हो गए, असत्य हो गए, तो मतलब कोई कथन सत्य नहीं है। सही आंसर 4th नंबर। नेक्स्ट दोस्तों, मेवाड़ी किसकी उपबोली, मेवाड़ी किसकी उपबोली है, वो है मारवाड़ी की। सही आंसर रहेगा फर्स्ट, मारवाड़ी, बिल्कुल। नेक्स्ट, ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। यहाँ पे जो सत्य कथन जो नहीं था वो कौन सा था, ढूंढाड़ी बोली की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है, तो ये गलत हो गया था यहाँ पे अपना। तो ये किससे मानी जाती है, उत्पत्ति सोर्स एनी से, ध्यान रखें यहाँ पे। तो सही आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट, मारवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन, मारवाड़ी बोली में सत्य कथन कौन सा था, ये था क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली, तो बिल्कुल यहाँ पे सेकंड राइट था इसका। 14 नंबर क्वेश्चन, बताइए जल्दी से, अभी जस्ट किया था ये रिवीजन के लिए, ध्यान रखें यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करना है, डटकी बोली बाड़मेर गलत, ये किसका था, ये था जैसलमेर का, और डाठी बोली किसका था, ये था बाड़मेर का, ये जैसलमेर और बाड़मेर, तो दोनों कथन यहाँ पे असत्य थे। नेक्स्ट, राजस्थानी बोलियां के उनके क्षेत्र में असम्मिलित, नाड़िया नागौर नहीं था, नाड़िया कौन सा था, पाली था। सही आंसर इसका फर्स्ट। तो दोस्तों ये रिवीजन के 5 क्वेश्चन, ये 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे अपने राजस्थान जीके से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर से। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।